चलिए कार्यक्रम की इस श्रृंखला को आगे ले जाते हुए मैं अपनी अगली कवित्री को आमंत्रित कर रही हूँ, अलका अग्रवाल जी जो बॉम्बे से हैं। अलका जी नमस्कार, आप सबको बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका इस पटल पर। और जी मैं देख रही थी आप लगातार बनी हुई थी और खूबसूरत कमेंट्स कर रही थी, और आपका थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगी। आप कहानी कविता व्यंग तीनों विधाओं में निपुण हैं, खूबसूरती से आप लेखनी का कार्य करती हैं। आप जो है महिला काव्य मंच महाराष्ट्र मुंबई की अध्यक्ष हैं, परसाई मंच की आप निर्देशक हैं, अनेक सम्मान और पुरस्कारों से आपको सुशोभित किया जा चुका है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था आय द्वारा रेंज फॉर हर अवार्ड आपको मिल चुका है। कहानी संग्रह मुर्दे इतिहास नहीं लिखते को महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के प्रथम पुरस्कार प्रेमचंद सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। निरंतरा गोदरेज फिल्म फेस्टिवल में आपको प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। फिल्म आदर्श को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। तो इस पटल पर आपका स्वागत करती हूँ। और जी आपकी कुछ रचनाएं हम चाहेंगे आप साझा करें। कैलाश जी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी बहुत बहुत आभार सुनीता जी, और इस मंच का आभार क्योंकि एन चंद्रा जी मैजिक मैन उनका पटल नया नहीं है और हम इस परिवार के जैसे ही हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे लायक समझा कि आज हम बहुत ही खूबसूरत कविताएं मैं लगातार सुन रही थी, तो आज मैं भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ, बहुत अलग अलग रंग प्रस्तुत करूँगी। और पहले मैं क्षमा चाह लेती हूँ क्योंकि अभी कोविड से बाहर निकली हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अफेक्टेड है, पर फिर भी मैं प्रस्तुत करती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए ये हिंदी दिवस था कल, विश्व हिंदी दिवस, तो बहुत साधारण से शब्दों में मैं कहना चाहती हूँ सुनीता जी कि अपना घर हम कहीं भी जाकर आ जाएं, अपना घर अच्छा, विश्व में कहीं भी घूम आए अपना घर अच्छा लगता है, कितना भी लजीज खाना खाएं घर का चावल दाल अच्छा लगता है, अरे बोल लो कितनी भी भाषाएं हिंदी का नाम अच्छा लगता है, सुने तमाम भाषाओं के गाने हिंदी का गान अच्छा लगता है, लिख लें कितनी भी भाषाओं में हम मन के भावों को, हिंदी में पिरोना अच्छा लगता है। और विश्व के विश्व में देखिए नंबर एक पर आ गई हिंदी, लेकिन ईमानदार प्रयासों से ही चमकेगी हिंदी की बिंदी। तो ये तो विश्व हिंदी दिवस पर और नया वर्ष है, तो अपने सभी सुनने वालों को नवल सर को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और सुधा मैम जुड़ी हुई हैं, जितने लोग जुड़े हैं कैलाश सर जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत नमन करती हूँ। नया वर्ष आ चुका है तो कुछ दो चार पंक्तियाँ नए वर्ष पर कहकर फिर मैं अपनी गंभीर कविताओं पर भी आऊंगी। पुराना होता है विदा तभी तो नया आता है, पुराना होता है विदा तभी तो नया आता है, पुरातन फिर भी होता स्वर्णिम जो नवीनता ये समझ जाए, नहीं होगा अस्तित्व दोनों का शर्मिंदा, पूरे मान और शान से नवीन करे विदा अनुभवी पुरातन को, और विगत करे सस्ने स्वागत नवागत का, अनुभव और जोश, अनुभव और युवा जोश बिखरा सकते हैं नवहर्ष, इसी मेल जोल से बनता है सुंदर नववर्ष। तो आप सभी को जिसने सब जुड़े हैं पटल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जनवरी माह में ही चंद्रा जी ने एक बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम साहित्य साधिकाओं का माँ वीणा भारती को नमन किया है, और बहुत खूबसूरत, और मुझे कल ही कह रहे थे कि चंद्रा जी जो है वो विश्व रिकॉर्ड बनाते रहते हैं और वाकई अथक परिश्रम करते हैं, बहुत बहुत नमन उनको, और नवल सर का गाइडेंस है तो होना ही है। अब मैं यहाँ पर एक बिल्कुल साहित्य साधिका की बात है, तो जब हम स्त्री के मन की बात करें बहुत जरूरी है। इस कविता का शीर्षक है क्या सपने बन गए बोनसाई। कहते हैं कुछ लोग कि जब स्वागत बनती है स्त्री पत्नी और माँ, करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा, मार देती है अपने सपनों को खुद बेमौत, या होते जाते हैं उसके सपने बौने बौने बहुत बौने, सोच का बवंडर उठा उसके भीतर, क्या बन जाने दिया है उसने अपने सपनों को भी बौना, बना दिया है उन्हें हरे भरे वृक्ष से बोनसाई, विचार मंथन चल पड़ा अंतस में,
अगर ऐसा होता तो कब का मिट चुका होता वजूद उसका। उसने खुद के वजूद को महसूस किया। अरे वो तो वहां है, अरे वो तो वहां है, यानी वजूद उसका मिटा नहीं है। बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका। एक ओर स्त्री विमर्श की बातें तमाम, दूसरी ओर झेलती है यातनाएं भी तो क्या छद्म है उसकी सारी बौद्धिकता। लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा। तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है, तब सांसारिक सोच की यह सोच नवनीत से उतरती है। पत्नित्व क्या बात? पत्नित्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर जायद है कुछ समझौते भी। हाँ हाँ, यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बोना। जिजीविषा की खाद, महत्वाकांक्षा के पानी और आत्मसम्मान की धूप ने बचाया है उसके सपनों को बॉन्साई बनने से। अब यहाँ पर जो हम बुद्धिजीवी सुनीता जी, अक्सर जो हम बुद्धिजीवी, दरअसल कृतित्व और व्यक्तित्व एक सा नहीं होता। हम नकाब पहनते हैं और इस नकाब को थोड़ा सा जब मैंने महसूस किया तो ये रचना लिखी गई, नहीं देखती वे सपने। धन्यवाद कैलिन जी श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जो बहुत अच्छे कवि भी हैं और बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। मैंने देखा, इसका शीर्षक है नहीं देखती वे सपने। मैंने देखा पहाड़ों पर कुछ लड़कियां आई हैं बिताने छुट्टियां, पढ़ती हैं, घूमती हैं, बुद्धिमानों के महफिल में शिरकत भी करती हैं। नहीं बनाती वे रोटियां, ये हैं वो लड़कियां। एक है लेखिका, एक पढ़ाकू, एक उद्योग कर्मी, एक समाज सेवी और एक पत्रकार है उनके अपने अपने सरोकार। सनराइज देखने होटल से भी बाहर वो निकली, सुबह सुबह कितनी औरतें उन्हें गारा बिनाती दिखी। जिसने पढ़ा था साहित्य, कहा उसने, याद आ रही मुझे निराला की वो तोड़ती पत्थर। लेखिका ने निकाला नोटपैड और लिखा उस पर। बच्चा भी वहां खेल रहा था, उसे देखकर लेखिका ने लिखा नोटपैड पर, बचपन की मस्ती नहीं उसके भाग्य में, उठा रहा मासूम बोझा हाथ में। समाज सेविका बच्चे के पास गई, की कुछ बातें, खींची सेल्फी उनके साथ। पता चला भूखा है बच्चा। पूछा, समोसे चॉकलेट खाओगे? जानता था वो तो सिर्फ भात, जानता था वो बच्चा तो सिर्फ भात। उद्योग कर्मी उनसे बोली, यहाँ जो मिलता है उससे ज्यादा दूंगी, सबको शहर ले चलूंगी। और पत्रकार ने बनाई रिपोर्ट, नारी सशक्तिकरण की मिसाल बना रही ये औरतें, पहाड़ों पर मकान लेकर श्रम की मशाल। मैं प्रभावित हो गई और चुपचाप उनके पीछे गई। कुछ देर में वे शानदार लंच खा रही थी और उन मजदूर औरतों के संग खींची फोटोज में अपनी सफलता की कहानियां बना रही थी। उधर वे श्रमजीवी लगी थी वैसे ही श्रमदान करने में, जानती हैं नया कुछ नहीं घटने वाला, इसलिए गमाती नहीं वक्त सपने देखने में। पर हाँ, वो मासूम बैठा कर रहा है समोसे का इंतजार, जिस दिशा में गई वो लड़कियां, रहा है उस पंथ को वो निहार। अब मैं एक, देखिए हम सबके देशभक्ति अपनी अपने तरीके से होती है, और मैं बॉम्बे में रहती हूँ और जब यहाँ आतंकवादी हमला हुआ था उस वक्त मैं कविता बहुत, जब दुखी होती हूँ, गुस्से में होती हूँ, तब लिखती हूँ, लिखती चली जाती हूँ, तो मैं लगातार बहुत सी कविताएं मैंने लिखी थी। तो उस समय अगर आप सबको याद हो तो अनवर जो कसाब बच गया था, उसने कहा था, कसाब ने कहा था कि मैं जीना चाहता हूँ। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने ये कविता लिखी थी, मैं जीना चाहता हूँ। अजमल अनवर, बहुत अनवर या कसाब जी, सुनीता जी थैंक यू। अजमल अनवर या कसाब, जो भी हो तुम, कहा तुमने, मैं जीना चाहता हूँ, बचा लो मुझे, मैं जीना चाहता हूँ। अपने आतंकी साथियों का खून देखकर तुम दहल गए।
जब तुमने दागी गोलियां और बहाया खून, तब तुम्हारा दिल नहीं पिघला? जवाब दो दरिंदे, जवाब दो दरिंदे, जब टैक्सी ड्राइवर अंसारी के हंसते खेलते बच्चों को बनाया तुमने लाश, जब सीता राम के बच्चों को किया तुमने अनाथ, तब तुम्हारा दिल नहीं पिघला? दरिंदगी का आनंद छाया था चेहरे पर तुम्हारे, तब तो खड़ा कर कतार में ये सचमुच हुआ था ऐसा, और वहां मेरी फ्रेंड की भी उसे में उन्होंने मारा था। खड़ा कर कतार में निर्दोषों को मारा तुमने, जीवन की भीख मांग रहे थे ना वे भी तो सारे, तब तुम्हारा दिल नहीं पिघला? तब तुम्हारा दिल नहीं पिघला जी? दरिंदगी की रात तन्हाई न जाने कहाँ खो गई थी, सबकी आंखों की नींद प्रार्थना दुआओं और प्रेयर्स में तब्दील हो गई थी। माना मारा तुमने माओं को बच्चों को कितनों के रहनुमाओं को, तब तुम्हारा दिल नहीं पिघला? अरे हाँ तुम्हारा दिल पिघलता कैसे, अरे हाँ तुम्हारा दिल कैसे पिघलता? तुम तो बन गए हो रोबोट जिसका कोई दिल ही नहीं होता, तुम्हें तो मिलता है निर्देश हैवानगी के तुम दो संदेश, जब तुम देते हो हैवानगी के संदेश, तब तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? अरे कुरान को क्यों करते हो बदनाम, दरिंदगी करते हुए लेते हो इस्लाम का नाम? अरे इस्लाम तो यही सिखाता है दो रोटी है तुम्हारे पास तो एक रोटी उसे खिलाओ, घर पड़ोसी तुम्हारा भूखा सोता है। लेकिन उस रात कितनों की रोजी रोटी छीनी तुमने, कितनों को किया तुमने बर्बाद, तब तुम्हारा दिल नहीं पिघला? ताज में मारे गए करोड़पति तो सीएसटी या किसी गरीब का पति, तो सीएसटी पर मरा किसी गरीब का पति, धना धन चलाते हुए गोलियां उनकी आहों को सुनकर तुम्हारा दिल नहीं पिघला? पर तुम्हारी संगीत एक बात हुई थी मुंबई कर लोगों की, एक विशेष बात होती है, बड़ी बड़ी तकलीफों को झेल कर फिर एक साथ हो जाते हैं, तब मैं लिखती हूँ कि पर तुम्हारी संगीनों ने एक बड़ा काम किया, निर्दोष आहों ने सोए आक्रोश को जगा दिया, एक प्रश्न सबके मन में खड़ा किया, कब तक करेंगे नेता राजनीति, बटोरेंगे सिर्फ वोट, खुद लेकर घूमेंगे जेट सिक्योरिटी, मारे जाएंगे सिर्फ हम लोग, अजमल अनवर या कसाब जो भी हो तुम, जैसे तुम चाहते हो ना जीना, मेजर संदीप करकरे सालस्कर आमटे क्या नहीं चाहते थे जीना? उनकी शहादत ने कर दिया है हमें बेखौफ, कह रहे हैं अब नंदन और फिरदौस, संगीनों से हम नहीं डरेंगे, हस्ती देश की मिटने ना देंगे, इन मौतों से नेताओं का जमीर गर अगर जरा भी पिघला, तो फिर ये सवाल कभी नहीं होगा, क्या तुम्हारा दिल नहीं पिघला। और अभी मैं बहुत खूबसूरत जी, शुक्रिया जी। और अच्छा अब मैं गजल कहूँ या कविता कहूँ, बताइए जो तो, आपको पसंद हो अलका जी, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और हमारे साथ शैलेन श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं, खुशबू जी जुड़ी हुई हैं, अलका चौधरी मैम जुड़ी हुई हैं, मनवी गौर जी हैं, ब्रशेश सिन्हा सर जुड़े हुए हैं, पल्लवी जी जुड़ी हुई हैं, अनीता जी, नीता जोशी मैम बराबर बनी हुई हैं, कमलेश दीवान सर जुड़े हुए हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, मनिंदर कौर जी जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, के एन प्रीति संजय शर्मा जी जुड़ी हुई है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। चलिए मैं थोड़ा सा एक रंग बदलती हूँ, थोड़ा सा अभी इसी ऊटपटांग से आवाज में भी गाने की कोशिश करती हूँ, अगर खराब लगे तो आप मुझे रोक दीजिएगा। एक गजल जी। गजल का मतलब कुछ यूं है कि तुम्हें चाहेंगे हम ऐसे कि तुम्हें ख्वाब बन जाओ, तुम्हें चाहेंगे हम ऐसे कि तुम एक ख्वाब बन जाओ, कभी दीपक कभी जुगनू कभी मेहताब बन जाओ, तुम्हें चाहेंगे हम से
के तुम एक ख्वाब बन जाओ, तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही हो शायरी मेरी, तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही हो शायरी मेरी, कभी आओ मेरी आंखों में और सैलाब बन जाओ, तुम्हें चाहेंगे हम ऐसे। शुक्रिया कि तुम एक ख्वाब बन जाओ। अब देखिए बहुत हम सब कहते हैं कि छोटे 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 प्रयास क्या काम आएंगे, पर अगर छोटा भी बड़ा बन जाए तो उस पर एक शेर कहती हूँ कि हवा के सामने छोटे दिए क्या काम आएंगे, हवा के सामने छोटे दिए क्या काम आएंगे, अंधेरों को मिटाना है तो फिर तुम फिर शब ताब बन जाओ, अंधेरों को मिटाना है तो फिर शब ताब बन जाओ, तुम्हें चाहेंगे हम ऐसे कि तुम एक ख्वाब बन जाओ, तुम्हें इसके शिकायत है लगी है आग दुनिया में, तुम्हें इसकी शिकायत है लगी है आग दुनिया में, हमारी तृष्णगी के वास्ते तुम आब बन जाओ, तुम्हें चाहेंगे हमसे कि तुम एक ख्वाब बन जाओ। अब मक्ता पेश करती हूँ सुनीता दी। स्वागत। बहुत वीरान है आंखों की दुनिया, तुम चले आओ, बहुत वीरान है आंखों की दुनिया, तुम चले आओ, दुआ बन जाओ जन्नत के लिए आदाब बन जाओ, दुआ बन जाओ जन्नत के लिए आदाब बन जाओ, तुम्हें चाहेंगे हम ऐसे कि तुम एक ख्वाब बन जाओ। एक और गजल ही पेश करती हूँ पहले। क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो, जैसे हम हैं वैसी सारी दुनिया हो, ये मतलब है हुस्ने मतला कहती हूँ कि मेरी आंखों में भी ऐसा दरिया हो, सारा आलम देख के जिसको प्यासा हो। अरे वाह, हरिशंकर परसाई जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रमनीक मोहनी जी। परसाई जी को मैं जीती हूँ, शुक्रिया जी। मेरी आंखों में भी ऐसा दरिया हो, सारा आलम देख के जिसको प्यासा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा। और देखिए बचपन कितना प्यारा होता है ना, हम सब उस दौर से गुजर चुके हैं लेकिन बार बार अपने बचपन को याद करते हैं। तो बचपन पर एक शेर अर्ज करती हूँ कि हर दिल में बचपन हो, हर दिल में बचपन हो, घर में हो खुशियाँ, हर दिल में बचपन हो, घर में हो खुशियाँ, सबके दिल में प्यारा सा एक बच्चा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। और मौजूदा हालातों पर एक शेर अर्ज करती हूँ कि अहले सियासत की कोशिश बस है इतनी, और ये हम सबको समझना होगा, अहले सियासत की कोशिश बस है इतनी, हिंदू मुस्लिम दूर रहें तो अच्छा हो, हिंदू मुस्लिम दूर रहें तो अच्छा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। और हम सब सकारात्मक सोच की बात करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हाँ लेकिन कोविड पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूर बात करते हैं। पत्थर जैसे कहते हैं ना कि जो तो को कांटा बवे ताही बवे तो फूल, हमने बचपन से पढ़ा है, तो उस पर कुछ लिखा है मैंने कि पत्थर, बड़ा खूबसूरत सा शेर है, आपको आपको डेडिकेट करती हूँ। पत्थर पत्थर जी, पत्थर जिस दिन लाएगा वो देखेंगे, अरे पत्थर जिस दिन लाएगा वो देखेंगे, उस दिन अपने हाथों में भी शीशा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। अब मैं गजल कह रही हूँ तो गजल पर कहती हूँ कि लोग गजल के नाम पे क्या कहते हैं,
अरे लोग गजल के नाम पे क्या क्या कहते हैं, अपने मन की बात कहें तो कैसा हो, क्यों लगता है हर एक क्या बात सपना है, सच हो, क्यों लगता है हर एक बहुत सपना खूब, सच हो। अब मसला बहुत पेश करती हूँ, जैसे मैंने कहा जन्नत मैंने अपना तखल्लुस रखा है, और अलका जो होता है उसका मतलब ही जन्नत होता है, तो दोनों ही ले लिए मैंने इसमें, कि बिछड़े दिल भी, और इस पटल से आप सबको जितने सुन रहे हैं उन सबको मैं डेडिकेट करती हूँ कि बिछड़े दिल भी जिसको सुनकर मिल जाए, बिछड़े दिल भी जिसको सुनकर मिल जाए, दिल भी अलका जिसको जन्नत की सुनकर बातों में मिल ऐसा जी। हो, अलका जन्नत की बातों में ऐसा हो, क्यों लगता है क्या हर बात, एक सपना बहुत सच्चा, खूब, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा बहुत हो। खूब, अब फिर से मैं, अगर बहुत आप कहें तो मुझे वक्त कितना है बता दीजिए, तो फिर मैं उस हिसाब से थोड़ी सी चीजें ले लेती अभी हूँ। हमारे पास 6 मिनट हैं, 5 मिनट हैं अलका जी। रमणीक जी जुड़ चुके हैं, कैलाश जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, अनीता विजय वर्गी जी, प्रमिला जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है बने रहने के लिए जी। जी शुक्रिया, सबका अलका बहुत जी बहुत शुक्रिया, आप सबके होने से हमें बहुत बहुत उत्साह मिलता है। इस कविता का शीर्षक है शिलाएं भी रिसती हैं क्या। वो कर रहा था जी दोहन स्वागत, धरती का, वो कर रहा था दोहन धरती का, कर रहा था वार लगातार उसकी छाती पर, वार सहते सहते जो निकलती थोड़ी सी आह, याद दिलाता उसे तुम तो धरती हो, तुम तो धरती हो, सहनशील हो, दाता हो, दुख तकलीफ सहकर भी हमेशा खिली रहो, अपनी तकलीफ किसी से ना कहो। पर धरती दरक रही थी, सिसक रही थी, तो कहा उसने ऐसा करो ना, तुम शिला बन जाओ, तुम शिला बन जाओ, क्योंकि शिला होती है पत्थर, नहीं होती जिसमें कोई भावनाएं, नहीं होता कोई जीवन। और तब धरती बिना प्रश्न शिला बन गई, और तब धरती बिना प्रश्न शिला बन गई, और फिर वह क्या निश्चिंत बात है, होकर करने लगा वार और ज्यादा बार बार, यह सोच करके शिला तो क्या बात, रोएगी भी नहीं, यह सोच करके शिला तो रोएगी भी नहीं, पर सोच रही थी शिला ये कैसा जीवन, शरीर ही नहीं आत्मा पर भी चोट खाकर रोना वर्जित, शरीर ही नहीं आत्मा पर भी चोट खाकर रोना वर्जित, आंसू जो निकल गए कहा जाएगा त्रिया चरित्र। सोचा था शिला बनकर नहीं रोएगी वह, नहीं असर होगा उस पर किसी चोट, नहीं असर होगा किसी चोट का उस पर गलत थी वह। शिला के नीचे से भी ये बहुत, मैं कहूंगी जरा सही से, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मुझे ये भावुक कर देती हैं पंक्तियां। शिला के नीचे से भी नमकीन सा सोता रिस रहा था, जो दूसरी शिला तक पहुंच रहा था, बताया दूसरी शिला ने आंसुओं का स्वाद है इसमें। क्या बात है, क्या दूसरी शिला से भी कुछ खारा पानी रिस रहा था, जो पहली शिला शिला तक पहुंच रहा था, दोनों शिलाओं के सीने में प्रश्न लहरा रहा था, दोनों शिलाओं के सीने में संवेद स्वर में प्रश्न लहराया, संवेद स्वर में दोनों ने स्वर उपजाया, शिलाएं भी रिसती हैं क्या, शिलाएं भी रिसती हैं क्या, है, क्या बात है। अब और क्या बने ताकि ना रिसे भीतर से कोई नमकीन पानी, दुख से भरी दोनों एक दूसरे से पूछ रही थी शिलाएं भी रिसती हैं क्या, शिलाएं भी रिसती हैं क्या। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। और एक रंग बदलती हूँ, एक तो देखिए मैं ना हमेशा ना, पता है मैं मीटर बहर लय ताल मालूम नहीं, मुझे थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, पर मैं यूँ कहती हूँ कि आंसुओं की भाषा मैं पढ़ लेती हूँ, मीटर बहर लय ताल ताक पर रख देती हूँ, उस पर ही कुछ गढ़ लेती हूँ, और इसलिए दिल से दिल की बात मैं कर लेती हूँ, और कहती हूँ कि आंसुओं की जुबां तुम समझ लो अगर, सारे गम इस जहां के समझ जाओगे, सारे गम क्या इस बात है, जहां के बहुत समझ खूब, जाओगे। तो मैं बहुत छोटी थी सुनीता जी, जब मुझे किसी ने मौत के ऊपर कविता लिखने के लिए कहा था, बहुत साल पहले ये कविता लिखी थी, और पता है इस कविता को किसी ने सुना था, और एक फिल्म भी बनी थी इसके ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगी उसका यहाँ पर, क्या उस फिल्म बात, का क्या बात जी। जी, तो इस कविता का शीर्षक है मौत।
मांगो वहां रहता है जहां पंचतत्व से बना शरीर राख में बदल जाता है। सजीव शरीर निर्जीव होने पर जला दिया जाता है, धुआं धुआं हो राख में बदल जाता है, है से था बन जाता है, वर्तमान से अतीत बन जाता है। सबको सबको मौत से डर लगता है पर उसे नहीं, क्योंकि ये शमशान ही तो उसकी कर्म भूमि है, उसकी रोजी रोटी, ये शमशान ही है उसकी रोटी कपड़ा और मकान, उसके और उसके परिवार के जीने का जरिया है ये शमशान। जितनी लकड़ियां वो लाएगा उतने रुपए सबसे वो पाएगा। कैसी त्रासदी है, कैसी है विडंबना, खुद पर शर्म भी मांगू को आती है, पर जीवन के कड़वे सच के नीचे दब हो जाती है। रोज सुबह ईश्वर से उठते ही करता है याचना, रोज सुबह उठकर ईश्वर से करता है याचना, भूख से ना बिलखे बच्चे उसके, ना पड़े उन्हें मरना, उनको जिंदा रखने के लिए करता है वो ज्यादा मुर्दों की कामना। कभी जो कोई ज्यादा दे जाता है, कभी कोई जो ज्यादा दे जाता है तो वो दाल रोटी के साथ मिठाई भी ले पाता है, और बच्चों के चेहरे पर उस दिन मुस्कान सजा पाता है, बच्चों के चेहरे पर उस दिन मुस्कान सजा पाता है। क्या त्रासदी है ना जीवन की, मांगो का परिवार भूखा मर जाएगा, अगर कोई मुर्दा जलने नहीं आएगा। सब कहते हैं मौत तो रुलाती है, लेकिन यहाँ तो तू मांगू के परिवार को जिंदगी दे जाती है, यहाँ तो तू मांगू के परिवार को जिंदगी दे जाती है। तो बहुत खूब चित्रण आपका, और शैलेंद्र श्रीवास्तव कह रहे हैं शब्द अप्रतिम चयन है, बहुत खूबसूरत शब्दों का चयन है। और अलका जी, समय की अपनी सीमाएं हैं, आपकी खूबसूरत काव्य पाठ चल रहा है। जी बिल्कुल मैम, आपका समय हो चुका है, आप इस पटल पर आए, खूबसूरत तो रचनाएं आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय वाकई तरह फिसलता चला जाता है, और बस हम ये करते हैं कि अपने शब्दों से समय को अपने पास हमेशा के लिए रख लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पुनः। नवल सर शायद चले गए हैं, फिर भी कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। और एन चंद्रा जी का, सुनीता जी आपके संचालन के लिए बहुत बहुत आभार, जो सब जुड़े थे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जी।